वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें बता दूं, इस वीडियो को देखने से ज्यादा सुनने में समझ आएगा, तो हो सके तो इस वीडियो को किसी ऐसी जगह पर देखो जहां का माहौल एकदम शांत हो। मैं तुम्हें YouTube की कुछ ऐसी डार्क रियलिटी बताऊंगा जिससे तुम एग्री तो करोगे ही और साथ ही रिलेट भी कर पाओगे। तो इस वीडियो में मैं ज्यादा फास्ट एडिटिंग नहीं करूंगा और ना ही ज्यादा साउंड इफेक्ट का यूज करूंगा, तो आपको इस वीडियो को एकदम ध्यान से सुनना है। तुम्हें पता है YouTube पर डेली हजारों वीडियो अपलोड की जाती है और उनमें से सिर्फ 5% वीडियो ही रैंक कर पाती है और बाकी के 95% लोगों का वीडियो रैंक नहीं हो पाता। आज के टाइम पर YouTube पर इतना ज्यादा कंपटीशन हो रखा है कि अगर तुम किसी भी कैटेगरी पे वीडियो बना लो, उस कैटेगरी की हजारों वीडियो पहले से ही YouTube पर अपलोड होंगी। बहुत से लोग कहते हैं कि अगर तुम कुछ यूनिक बनाओगे और वो सोशल मीडिया पर डिमांडिंग होगा तो तुम्हारे व्यूज इतने ज्यादा आएंगे कि तुमने कभी सोची भी नहीं होगी, लेकिन ये सिर्फ एक सपना है और इस सपने से तुम्हें जागना होगा। ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं चाहे जिसपे तुम वीडियोस बना सको। यहाँ तक कि 99% लोग YouTube पर सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए आते हैं। उन्हें लगता है कि बस वीडियो क्रिएट करूंगा और पोस्ट करूंगा और हजारों व्यूज आएंगे और पैसे ही पैसे होंगे, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर तुम बिना स्पॉन्सर के कोई एक वीडियो अपलोड करते हो और उस वीडियो पे तुम्हारे 5000 व्यूज आ जाते हैं 11 RPM के साथ, तो तुम्हें 5000 व्यूज के सिर्फ 55 रुपए मिलेंगे 11 RPM के साथ, और ये RPM बढ़ता और घटता रहता है। अब अगर आपके वीडियो पे 50000 व्यूज आ गए तो तुम्हें क्या लगता है इसका कितना पैसा मिलेगा? सिर्फ 550 रुपए। रियलिटी ये है कि YouTube 45% पैसे काट लेता है, मतलब अगर आपको 1,00,000 रुपए मिलने वाले होंगे तो उस पे YouTube 45% काट लेगा। इसका मतलब वो आपको सिर्फ 55,000 रुपए देगा और 45,000 खुद रख लेगा। और मान लो कि तुम्हें 50,000 व्यूज पे 500 रुपए मिल रहे हैं और तुम महीने के 3-4 वीडियो डाल देते हो तो तुम्हें पूरे एक महीने में सिर्फ 1,600 रुपए मिलेंगे। तो क्या अब इतने पैसे तुम्हारे लिए काफी है, या फिर इन पैसों से क्या तुम्हारा घर चल पाएगा? और बहुत से लोग तो आस लगाए बैठे हैं कि सिर्फ एक बार YouTube पर सक्सेस हो जाऊं फिर उसके बाद जिंदगी के मजे ही मजे हैं, बट रियलिटी में ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं तुम्हें इस वीडियो में डीमोटिवेट करने नहीं आया हूं, बल्कि मैं तुम्हें YouTube की रियलिटी के बारे में बताने आया हूं, और इस वीडियो को सिर्फ वही आखिरी तक देख पाएगा जो एक्चुअल में YouTube पर ग्रो होने के लिए मेहनत कर रहा है। बड़े बड़े क्रिएटर से जाके पूछो कि कितना डिप्रेस्ड रहते हैं वो, इतनी एंजाइटी आ जाती है कभी कभी कि मन करता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के कहीं बाहर पहाड़ों में चले जाएं। इवन आशीष चंचलानी की वीडियो पिछले 1.5 साल से नहीं आई, और ऐसा करने वाले वो अकेले क्रिएटर नहीं है, बल्कि और भी बहुत सारे क्रिएटर हैं जिनको ये सब फील होता है, और ये सब मैं हवा में नहीं बोल रहा हूं। तुम अगर एकदम कंसिस्टेंट वाले यूट्यूबर हो ना, तो मैं एक बात बताता हूं कि जब तुम बहुत मेहनत करके एक वीडियो क्रिएट कर दो ना और उसे अपलोड कर देते हो तो उसके बाद वाली खुशी बहुत मस्त होती है। अगर तुम स्ट्रगल करने वाले क्रिएटर हो तो ये बात बहुत ज्यादा रिलेट करोगे। जब तुम वीडियो एडिट कर रहे होते हो तो यही लगता है कि जल्दी से वीडियो क्रिएट हो जाए, फिर उसके बाद थोड़ा सा फ्री लगेगा, और फिर वीडियो क्रिएट करने के बाद वाली खुशी लिटरली एक स्ट्रगल फुल क्रिएटर ही समझ सकता है। मतलब जब कोई बंदा अपनी वीडियो से रिलेटेड रिसर्च कर रहा होता है एंड देन जब वो स्क्रिप्ट कंप्लीट कर लेता है तो उस वक्त इतना फ्री महसूस होता है और साथ ही अंदर से कॉन्फिडेंस वाली फीलिंग आने लगती है। और एक तरफ तुम में से कोई ऐसा बंदा होगा जो इस वीडियो को देख रहा होगा, जो रात में सोचते हैं कि कल सुबह मैं अपने स्क्रिप्ट और थंबनेल का काम कर लूंगा एंड देन उसके बाद मैं एंजॉय करूंगा, लेकिन सुबह होते ही पता नहीं उन्हें क्या हो जाता है, किस काम में लग जाते हैं जिसके वजह से वो अपना मेन काम ही भुला देते हैं। भाई अगर तुम अपना मेन काम या फिर जिससे तुम्हें प्राउड फील होता है वो काम अगर पहले कर लो, उसके बाद तुम कुछ भी काम करो, भले ही तुम पूरे दिन एंजॉय करो, लेकिन तुम्हें कोई भी टेंशन नहीं होगी। इवन जब मेरी भी वीडियो अपलोड हो जाती है तो मुझे बिल्कुल फ्री एंड रिलैक्स महसूस होता है। YouTube की एक चीज थोड़ी बेकार लगती है, वो है कंसिस्टेंसी। अगर तुम हफ्ते में एक वीडियो डालते हो और अगले हफ्ते तुम्हारी वीडियो कुछ दिन लेट हो जाए तो YouTube उस वीडियो की रीच को डिक्रीज कर देता है एज कम्पेयर टू योर लेटेस्ट वीडियो। अब आप मेरी पिछली वाली वीडियो को ही देख लो, इस वीडियो पे YouTube ने मेरा इम्प्रेशन 18,000 से ज्यादा भेजा, फिर इसके बाद मैं कुछ रीजन की वजह से मैं अपनी अगली वीडियो को अपलोड करने में थोड़ा लेट हो जाता हूं। फिर उसके बाद YouTube मेरी वीडियो की रीच को डाउन कर देता है और इस वीडियो में सिर्फ 9,000 इम्प्रेशन ही भेजता है। अब आप खुद सोच के देखो कि कुछ रीजन वजह से तुम्हें या तुम्हारे फैमिली मेंबर को कुछ हो जाता है तो तुम उस टाइम पे क्या करोगे? क्या पता तुम बिजी हो जाओ, डिप्रेशन में चले जाओ, क्या पता तुम्हारा ब्रेकअप हो जाए और उस लड़की की वजह से तुम इतना हर्ट हो जाओ कि तुम अपना यूट्यूब चैनल ही भुला देते हो। खैर मैं वीडियो से थोड़ा हट के बताने लगा था, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। तो कंसिस्टेंसी का डर तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा, तो इससे तुम ज्यादा मत घबराना। इवन तुम्हारे पापा भी तो रोज दुकान या फिर काम पे जाते हैं ना, इसमें भी कंसिस्टेंसी है यार। इवन मैं भी कभी कभी इतना बिजी हो जाता हूँ कि टाइम निकाल ही नहीं पाता। इसीलिए आप अपने नेक्स्ट वीडियो को पहले से प्रिपेयर करने का ट्राई करो, जिससे आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहेगी। गाइस एक चीज और, जब कोई यूट्यूब क्रिएटर अपनी नेगेटिव कमेंट देखता है तो एकदम वो अंदर से परेशान हो जाता है। अगर उसकी वीडियो पे 99 पॉजिटिव कमेंट होते हैं और सिर्फ एक कमेंट नेगेटिव आ जाता है तो
वो 99 पॉजिटिव कमेंट को छोड़कर सिर्फ एक नेगेटिव कमेंट पर ध्यान देता है और वो उसके चक्कर में पूरा दिन उसी नेगेटिव कमेंट के बारे में सोचता रहता है। तो फिर किसी को नेगेटिव या फिर गंदे कमेंट्स करने से पहले एक बार जरूर सोच लिया करो यार, क्योंकि उसने उस वीडियो को बहुत मेहनत से बनाया होगा। और अगर तुम YouTube पे आए हो तो तुम्हें मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, वरना तुम्हारा चैनल शुरू होते ही खत्म हो जाएगा। और मैं तुमको एक बात बताता हूँ, और ये बेसिकली एक मिस्टेक है जो ज्यादातर न्यू क्रिएटर करते हैं, और इसी मिस्टेक की वजह से वो YouTube को छोड़ देते हैं। और ये मिस्टेक मैंने खुद भी किया है। कुछ साल पहले मैंने अपना एक नया शॉर्ट्स का चैनल बनाया था और उस पर मैंने जैसे तैसे करके बहुत मेहनत से 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट किए। फिर मैं रेगुलर वीडियोस बना के डालते गया और ऐसे ही करते करते मैंने उस चैनल पे 5000 से भी ज्यादा सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिया। और मैंने जब उस पे लॉन्ग वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट किया तब मेरे उस पे 5000 सब्सक्राइबर होने के बाद भी लिटरली 50 व्यूज भी नहीं आ रहे थे, और ऐसा करते करते मेरा चैनल डेड हो गया। फिर मैंने उस चैनल को छोड़ दिया। तो आप भी ये मिस्टेक कभी भी मत करना। तुम्हें सिर्फ पैसे के लिए YouTube पर नहीं आना है, बल्कि तुम्हें अपने काम के लिए काबिल भी होना पड़ेगा। 3 Idiots मूवी का ये डायलॉग मुझे बहुत ही ज्यादा मोटिवेट करता है, और इसे आप भी सुनो। किसी महापुरुष ने कहा है कि कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस का पीछा करो, सक्सेस झक मार कर तुम्हारे पीछे आएगी। जितनी भी मैंने अभी तक इस वीडियो में बातें की हैं, उसे सिर्फ एक ऑनेस्ट क्रिएटर ही समझ पाएगा। तो आप मेरी कौन सी बात को सबसे ज्यादा रिलेट कर पाए हो कमेंट जरूर करना, क्योंकि मैं हर एक कमेंट को पढ़ता हूँ। और अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हो तो मैं आपको एक रियलिटी बताता हूँ। बड़े बड़े यूट्यूबर्स बहुत मेहनत करते हैं तभी वो आज जाके इतने फेमस हैं, लेकिन क्या हम जैसे छोटे क्रिएटर्स ने मेहनत नहीं की थी? उन्होंने भी अपना 100% दिया था यार। और मैं 100% गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि जितना मेहनत बड़े क्रिएटर्स करते हैं अपनी वीडियो के लिए, उससे 10 गुना ज्यादा मेहनत छोटे क्रिएटर्स करते हैं। और ये डार्क रियलिटी है, तुम खुद ये बात रियलाइज कर पा रहे होगे। और मैंने भी इस वीडियो के लिए बहुत मेहनत किया है, तो प्लीज यार इस वीडियो को उन लोगों को शेयर करो जिन्हें ये रियलिटी नहीं पता है। उन्हें भी ये रियलाइज कराओ कि एक यूट्यूबर बनना इतना आसान नहीं है। और मुझे पता है 90% लोगों ने इस वीडियो को स्किप कर दिया होगा, लेकिन कोई बात नहीं यार, अगर तुम इस वीडियो को सुन रहे हो तो बस मेरे लिए इतना ही काफी है। मैं तुमसे बस एक ही बात बोलना चाहूंगा कि अभी आने वाले कुछ साल अच्छे से तुम मेहनत कर लो, तुम्हारी पूरी लाइफ सिक्योर हो जाएगी। सो भाई मैं तो चलता हूँ, अगर बातें थोड़ी भी समझ आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।